बरेली के एक होटल में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की गला काटकर हत्या की गई थी। छानबीन करने के बाद पता चला कि हत्या करने वाला उसका मंगेतर था। इधर लड़की की हत्या करने के बाद युवक ने भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवती की गला रेतकर धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि युवती के मंगेतर ने ही की। इतना ही नहीं, खुद आरोपी मंगेतर ने भी हत्या करने के बाद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। हत्यारा बरेली के आजम नगर का रहने वाला था। उसका नाम आलम कुरैशी है। कोतवाली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों की मौत के बाद हत्या की वजह राज बनकर रह गई है। पुलिस अब इस राज को जानने की कोशिश में लगी हुई है कि दिनांक 19 अगस्त 2024 को शाम को तकरीबन 5-5:30 बजे के आसपास अभियुक्त आलम द्वारा धारदार हथियार से इस युवती की हत्या करके शव को होटल के रूम के अंदर ही छोड़कर वहां से अभियुक्त फरार हो गया था एवं दिनांक 19 अगस्त 2024 को रात्रि करीबन 9:15 बजे थाना जीआरपी द्वारा धनेटा क्रॉसिंग थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक युवक की ट्रेन के द्वारा रन ओवर के बाद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। जीआरपी द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचातनामा की कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया था। आज उस युवक की शिनाख्त अभियुक्त आलम के रूप में हुई है। परिवारजनों द्वारा अभियुक्त को पहचान लिया गया है। हम अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।